हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ जो आपके लिए व्रत में बहुत आसानी से बना सकते हैं। जो मैं साबूदाने की खीर लेके आई हूँ, इसके लिए मैंने एक कटोरी खीर ली है। इसको आप देख बीन सकते हैं, इसमें कोई कंकड़ ना हो। इसे बहुत सफाई से आपके लिए साफ़ कर लेना है, ऑलरेडी कंकड़ होते हैं इसमें। तो इसमें आप इसको धो भिगो लेनी है। भिगो के आपको अच्छे से दो तीन पानी से धोना है, जो मैं धो रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने साबूदाने को अच्छे से बीन लिया है और इसको धो भी रही हूँ। इसको आपको इस तरह छन्नी की सहायता से आपको इस तरीके से धोना है। फिर धोने के बाद देख तीन पानी से धोना है। इस तरीके से मैंने धो लिया है। थोड़ा टाइम देके आपको धोना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा 5 मिनट तो हो जाएगा धोते हुए। अब इसे 1 गिलास दूध लिया है, इसमें ऐड करना है 1 गिलास दूध। अब गैस पे रख देना है आपके लिए। अब देखिए, मैं धीरे धीरे चलाना है ताकि ये लग ना पाए। लो फ्लेम पे कर देना है। ऑलरेडी मैंने लो फ्लेम पे कर दिया है, आप देख सकते हैं मैंने लो फ्लेम पे कर दिया है। और चलाते रहेंगे तो खीर गाढ़ी हो जाएगी। आप देख रहे हैं, आप पकने लगी है। इसको 10 मिनट तक आपको पकानी है। आप गैस को ऑफ कर देनी है। फिर आपको चीनी मैश करनी है इसमें, जो आप देख रहे हैं मैंने 4 टीस्पून मैंने चीनी ऐड की है। खीर समथिंग पक चुकी है, खीर तैयार हो चुकी है। इसमें इलायची के दाने डाल दिए हैं, चिरौंजी डाल सकते हैं। बहुत इजी है, आप नवरात्र के व्रत में अब ले सकते हैं। आपको प्रोडक्ट कैसा लगा आप बताइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।